हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे काढ़े के बारे में बताने जा रही हूँ जो रोगों से लड़ने की ताकत को दोगुना कर देगा। यह काढ़ा उन सभी लोगों के लिए है जो मौसम में बदलाव के कारण आपके संपर्क में आ जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस काढ़े को घर पर ही 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी घर के ही कुछ सामान से। तो यहाँ पर मैं एक व्यक्ति के लिए काढ़ा बना रही हूँ। एक व्यक्ति के लिए हम एक गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे। इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी काली मिर्च की। हर खाने में स्वाद लाने के लिए काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में बताया गया है काली मिर्च के सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर स्वस्थ बना रहता है। अब हम दूसरा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, लौंग। लौंग के बहुत सारे चमत्कारी फायदे होते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लौंग सर्दी खांसी के लेकर मधुमेह अस्थमा जैसी बीमारियों के इलाज में भी काम आती है। तीसरा इंग्रेडिएंट है अजवाइन। फ्रेंड्स, अजवाइन को हमेशा हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन यह केवल मसाला ही नहीं, अजवाइन के कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन और कैरोटीन नामक तत्व होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बढ़िया होते हैं। और चौथा इंग्रेडिएंट है अदरक। अदरक के बाद है पांचवा इंग्रेडिएंट हल्दी। हल्दी के बाद छठा इंग्रेडिएंट है तुलसी। इनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। अब हम गैस को करेंगे ऑन और मीडियम फ्लेम कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम अपने काढ़े को बनने देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये आधा नहीं हो जाता, यानी कि हमने एक गिलास पानी लिया था। एक गिलास का पानी का आधा गिलास हमें काढ़ा बनाकर तैयार करना है। तो अब जान लेते हैं हम अदरक के बारे में। अदरक सर्दी खांसी जुकाम आदि बीमारियों के लिए लाभकारी होता है। अदरक के सेवन से बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है। अदरक में 80% जल पाया जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं हल्दी। हल्दी भी खाने के स्वाद को और रंग को बढ़ा देती है। वही इसका उपयोग सौंदर्य वृद्धि और स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा हल्दी शरीर को स्वस्थ रखने में भी बहुत लाभकारी होती है। तो ये काढ़ा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम हम कर देते हैं ऑफ और इसे गुनगुना होने देंगे। गुनगुना होने के बाद इसे हम छलनी से छानकर सर्व करेंगे। अब बात की जाए तुलसी की। तुलसी का पौधा हर घर में पाया जाता है। तुलसी पेट से होने वाली बीमारियों को भी दूर करती है। तुलसी खांसी कफ में भी मदद करती है। तो इस काढ़े को हमने छानकर तैयार कर लिया है। आप इस काढ़े को सोने से पहले 10 से 15 मिनट पहले ले लें। फ्रेंड्स, हर एक सेहतमंद व्यक्ति के पीछे उसके इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिसका इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होता है, व्यक्ति उतना ही कम बीमार पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरे काढ़े की वीडियो? उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप अपनी फैमिली फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।